हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, जिसका नाम है स्क्यूला मेरिटिमा। स्क्यूला मेरिटिमा मेडिसिन का यूज़ हम लोग रेस्पिरेटरी बीमारी के लिए करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो भी बीमारी होती है, जैसे ब्रीथलेसनेस हो गया, चेस्ट कंजेशन हो गया, निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गई, वो चाहे एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, इस तरह के फेफड़ों से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें स्क्यूला मेरिटिमा का बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों आजकल का जो मौसम है, मतलब गर्मी से सर्दी आना या फिर सर्दी से गर्मी आना, जब भी मौसम चेंज होता है तो लोगों को सर्दी जुकाम, खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, बुखार जैसी फीलिंग होना, वीकनेस आना, ऐसे सिम्टम आने लगते हैं, नाक का बहना। तो इन सब जो भी सिम्टम्स हैं, इन सब परेशानियों में स्क्यूला मेरिटिमा का बहुत अच्छा रोल है। और इसकी पोटेंसीज आप अपने जो भी होम्योपैथी डॉक्टर हो उनसे कंसल्ट करके लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ मेडिसिन बता सकता हूँ कि हाँ, इस मेडिसिन का बहुत अच्छा काम है इस तरह की बीमारी में। दूसरा, स्क्यूला मेरिटिमा अगर मैं कहूँ तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा रोल करती है। मतलब लंबे समय से अगर कोई जुकाम बना हुआ है आपको, जिसमें आपको छाती में भारीपन लगना, सांस में गड़गड़ की आवाज़ आना और सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होना, तो इस तरह के अगर जुकाम बना हुआ है आपको लंबे समय से, तो उसमें स्क्यूला मेरिटिमा का बहुत अच्छा रोल है। और इसकी इस मेडिसिन को कुछ ही दिनों यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपको सर्दी जुकाम बहुत आराम मिला और धीरे करके आपको ये जुकाम और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों और ही मेडिसिन हैं जो कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा रोल करती है, जैसे पल्सेटिला हो गया, कार्बोवेज हो गया, एलुमिना हो गया, सीपिया हो गया, इन सब का बहुत अच्छा रोल है। लेकिन अगर इन सब बीमारियों को, इन सब ये जो मेडिसिन मैंने बताई आपको, इन सब मेडिसिन को अगर एक साइड रखा जाए और स्क्यूला मेरिटिमा का एक साइड रखा जाए, तो स्क्यूला मेरिटिमा फेफड़ों से संबंधित बीमारी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।